सरकारी नौकरी पाना आज भी देश के करोड़ों घरों में सबसे बड़ा सपना रहता है। वजह सरकारी नौकरी में मिलने वाली सुरक्षित भविष्य की गारंटी। समाज में बेटे बेटियों के बड़े होते ही माता पिता को किसी भी जगह जाने पर रिश्तेदारों के एक सवाल का सामना जरूर करना पड़ता है। सवाल यह कि आपका बेटा आजकल क्या कर रहा है, आपकी बेटी ने जो इम्तिहान दिया था निकला कि नहीं। वर्षों तक घर वाले इनका जवाब यही देते आए कि लगा हुआ है, देखो इस बार नौकरी शायद मिल जाए। अब अगर एक महीने में 1.5 लाख के करीब नौकरियां अकेले केंद्र दे रहा है, इसका मतलब है कि नौकरियां देने की क्षमता पूरी है। इसीलिए अब इस मुद्दे पर दूसरा पक्ष यह है कि क्या सरकारी नौकरी देने में देरी की जाती है। युवा साथियों, आपको ये नई जिम्मेदारी एक विशेष कालखंड में मिल रही है। देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। इस बात में रत्ती भर शक नहीं कि आजादी का अमृत वर्ष ही है, बल्कि केंद्र की सरकारी नौकरियों का नियुक्ति पत्र देने का भी ये अमृत वर्ष ही कहिए। इस बात को कहने की वजह ये कि जब एक महीने में 1,46,000 नौकरियों के नियुक्ति पत्र युवाओं को बंट गए, तब सच ये भी कि 2014-15 से 2021-22 के बीच 22 करोड़ लोगों ने नौकरी केंद्र में पाने के लिए आवेदन किया, तो 8 साल में सिर्फ 7,22,311 को नौकरी मिली थी। 8 साल में 22 करोड़ नौकरी का फॉर्म भरने वालों में सिर्फ 0.33% युवा केंद्र में नौकरी पाए। और अब एक साल में 10 लाख नौकरी देने के वादे के बाद एक महीने में उस वादे के 14.6% नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर बट गए। कैथल हरियाणा से। ऐसा कैसे संभव हुआ, ये सवाल हमने चंडीगढ़ में अपॉइंटमेंट लेटर बांटने की जिम्मेदारी उठाने वाले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से पूछा। होता क्या था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसीज पाइल अप हो जाती थी। सो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो निर्णय किया है रोजगार मेला करना विद इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाइड, इट इज ऑल्सो जनरेटिंग अ लॉट ऑफ वेरी पॉजिटिव रिलेटेड एक्टिविटी। प्रधानमंत्री के फैसले के बाद केंद्र का हर विभाग सक्रिय हुआ, खाली पदों को भरने का काम तेजी से शुरू हुआ, वरना पहले यही प्रक्रिया कितनी सुस्त चलती रही इसका सबूत खुद सरकार संसद में बता चुकी है। 2014-15 से 2021-22 के बीच 8 साल में हर वर्ष औसत 90,288 लोग सरकारी नौकरी केंद्र में पा रहे थे, लेकिन अब 22 अक्टूबर और 22 नवंबर एक महीने में दो रोजगार मेले में पहले 75,000 और फिर 71,000 यानी 1,46,000 नियुक्ति पत्र बट गए। यानी काम अभी तेजी से नौकरी देने का केंद्रीय विभागों में चलने लगा है। ये सवाल हमने नियुक्ति पत्र रोजगार मेले में पाने वाले युवाओं से पूछा। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये क्या कहते हैं पूरा प्रोसीजर एक ईयर में कंप्लीट हो गया। लगभग 8 से 9 महीने का ये प्रोसेस था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, और मैं इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये जो हमारे जीवन की एक नई शुरुआत है उन्होंने उसको इतना यादगार बनाया हमारे लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी खुशी हो रही है सर? बहुत खुशी हो रही है और मम्मी पापा को भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। पेरेंट्स की नहीं लग पाई किसी कारणवश, फिर भाइयों से उम्मीद रखी तो उनकी भी नहीं लग पाई, बड़ी बहनें हैं उनकी नहीं लग पाई, लेकिन जब मैं छोटी हूँ घर में सबसे तो सबसे ज्यादा उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई थी सब लोगों की, तो आज जो मतलब एक साल के बाद जो चीज हुई है उसका यकीन नहीं हो पा रहा है कि आज हमें सरकारी नौकरी केंद्र सरकार में मिल चुकी है। जो यकीन इतने कम समय में तेजी से नौकरी की प्रक्रिया पूरे होने के बाद नियुक्ति पत्र हाथ में आ जाने से इन युवाओं को हो रहा है, यही यकीन क्या पहले नहीं पूरा हो पा रहा था? इस सवाल की वजह यह है, संसद में दिए सरकार के जवाब के मुताबिक 2014-15 से 21-22 में 8 साल के भीतर सिर्फ 2019-20 यानी जिस साल चुनाव हुए और सरकार दोबारा बनी उसी वर्ष सबसे ज्यादा 1,47,000 लोगों को नौकरी केंद्र के विभागों में मिली, बाकी 7 वर्ष में नौकरी के अवसर घटे थे। लेकिन अब देखिए एक महीने के भीतर 1.46 लाख नौकरियों के नियुक्ति पत्र बट गए हैं। ये सब क्या सिर्फ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि अब की बार नौकरी देने वाले सिस्टम को सुधारने का बीड़ा प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया है? ये मोदी जी की ही कल्पना थी, मोदी जी की योजना थी। कुछ समय पहले आपको स्मरण होगा उन्होंने कहा था कि वो आने वाले कुछ एक महीनों में
10 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाएंगे। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और विपक्ष सिर्फ कहता है करता नहीं है। इसी सरकार ने इन पदों की शिनाख्त की, नए रिक्त पत्र भी निकाले और आपके सामने है, प्रमाणित है, 10 लाख की घोषणा की थी। 1 महीने के भीतर 2 किश्तें इसकी जारी हो गई हैं और इसी प्रकार ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। यानी ये पहले भी संभव था कि पदों को भरने में तेजी लाई जाती, जो सक्रियता अब शुरू हुई। तभी तो अपॉइंटमेंट लेटर केंद्र की नौकरी का पाने वाले चेहरों पर रोजगार पाने का सुकून है, देश के लिए कुछ करने का जुनून है और भविष्य की सुरक्षा का एहसास दिखता है। मिस अंजू देवी।